सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई किचन फ्लेवर्स। मैं आपकी फ्रेंड पायल। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। सो फर्स्ट वी टेक अ बाउल और इसमें हम ये 1 कप बटर हमने लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ही हमने 1 कप चॉकलेट ली है, जिसमें मैंने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट मिक्स कर दी है। आप अगर चाहें तो खाली डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, एज पर योर फ्लेवर। अब इसको हम मेल्ट कर लेंगे माइक्रो में। हम बॉयलर में भी कर सकते हैं, माइक्रो में भी कर सकते हैं। माइक्रो में जब हम बॉयल करेंगे तो हमें इसे 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के गैप में, हमको इंटरवल्स में इसे देखना पड़ेगा। चलिए मेल्ट कर लेते हैं। पहले देखिए, मैंने माइक्रो में रख दिया है। अब हम इसको 1 मिनट में रखेंगे, बट हम लोग 10 सेकेंड्स के इंटरवल में इसको हम चेक करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें चॉकलेट और जो हमारा बटर है वो दोनों रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और ये 40 to 50 सेकेंड्स में हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई थी, जिसे मैंने 10 सेकेंड्स के इंटरवल में बार बार चेक कर लिया था। चलिए हम आगे करते हैं। तो अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में मैंने ये 1 कप कैस्टर शुगर ले लिया। कैस्टर शुगर मतलब पिसी हुई चीनी, चीनी का पाउडर। इसमें हम 3 एग्स डाल देंगे। और 1 टीस्पून हम लोग वनीला एसेंस डालेंगे इसमें। अब हम बलून वाला मिक्सचर ये लेंगे विस्कर, इससे हम इसको विस्क करेंगे। और हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट लाइट टेक्सचर में ना आ जाए। सो ये अब हमारा विस्क हो चुका है, हमारा बैटर जो है, आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब हमने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम 1.5 कप मैदा ले लेंगे, 1.5 कप। अब इसको हम सीव कर लेंगे। सो नाउ यू सी, हमारे 3 मिक्सचर तैयार हो गए। एक में हमने जो मैदा सीव कर लिया था, दूसरा ये हमारा शुगर, एग और वनीला एसेंस, और ये तीसरा जो हमने बटर और चॉकलेट को मेल्ट किया था। तो अब हम तीनों को आपस में मिक्स करेंगे 1 by 1। फर्स्टली वी मिक्स वेट इंग्रेडिएंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी मिक्स, ये हमने एग और शुगर का जो हमने मिक्सचर बनाया था, इसको हम लोग चॉकलेट सिरप में ऐड कर देंगे। फोल्ड एंड कट मेथड से हम लोग इसे मिक्स करेंगे। नाउ वी ऐड दिस मैदा, बट इसको हम थोड़ा धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, ग्रेजुअली, ताकि लम्प्स ना पड़े। अभी हमें बाकी का बचा हुआ मैदा भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें लास्ट में जो है, मैंने ये 1 TSP बेकिंग सोडा लिया है एंड 1 TSP मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। ये हम मिक्स कर देंगे एंड में, बिकॉज इसको मिक्स करने के बाद हम ज़्यादा देर इसको रख नहीं सकते हैं। और एक चीज़ और, आपको पहले से ही अपनी कढ़ाई या पैन, जो भी आपको रखना है बेकिंग के लिए, आप उसे प्री हीट होने के लिए रख दीजिए, ताकि वो गर्म हो जाए। सो अब ये हमारा बैटर रेडी है। इसमें मैंने ये 1/4 कप जो है वॉलनट्स जो है हमारे, मैंने चॉप करके रख लिया, ऐसे रफली चॉप कर लिए। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग मोल्ड को ग्रीसिंग कर लेंगे साइड्स में भी अच्छे से,
इसको आप बटर से, ऑयल से, किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। नाउ अब हम इसमें जो है बटर पेपर लगा देंगे। इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे बटर पेपर को। बटर पेपर पे भी हल्की से हम लोग ग्रीसिंग कर देंगे। तो अब ये हमारा मोल्ड जो है ग्रीस हो गया है। अब इसमें हम अपना बैटर शिफ्ट कर देंगे। ये बैटर हमने शिफ्ट करने के बाद इसको 1/4 कप हमारा और वॉलनट्स हमने चॉप कर लेने हैं, उसको हम लोग इसको ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। इसके बाद इसे टैप करेंगे एयर बबल्स हटाने के लिए। नाउ हमने प्री हीट किया हुआ है अपनी कढ़ाई को, इसमें हम लोग इसे प्लेस कर देंगे। ये हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही थी, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स पहले आप इसे रख देंगे, उसके बाद इसमें कोई भी एक सामान रख के आप। ये हमने अपना मोल्ड रख दिया, इसको हम लोग कवर कर देंगे और एटलीस्ट 20 मिनट से पहले हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। और ये हमारा जो केक है वो लो फ्लेम पे ही बनेगा। लेट्स सी, 20 मिनट्स हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। होप सो कि बन गया है शायद। देखिए अभी भी स्क्वायर या फिर हम टूथपिक किसी से भी इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा हल्का हल्का सा आ रहा है, तो हम इसे 10 मिनट्स और रख देंगे। विद अप्रॉक्स 35 मिनट्स, लेट्स सी। वाओ, सी दिस इज ऑलमोस्ट क्लीन। सो अभी हम इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल कूल डाउन हो गया, हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। सो इट्स रेडी, वी कैन सर्व इट विद चॉकलेट सिरप और आइसक्रीम।